पठानकोट शहर के रात की बारिश हो रही है, तो बारिश तो बाद पूरे शहर के जलथल हुई पई है। शहर के किसी भी इलाके चले जाओ तो पानी जोड़ा कि सड़कों के उत्ते खड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गल करिए लोगों के दफ्तर के मूहे दुकाना के मूहे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होया है, तो लोग आम लोगों को लंघन के बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पै रहा। असी खड़े हाँ सैली रोड से, सैली रोड की गल करिए, सुंदर नगर के इलाके की गल करिए, काली माता मंदिर मोड़ की गल करिए, जिते कि अक्सर पानी खड़ा रहता है। रात भर की बारिश हुई है तो उसके बाद स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने कपड़े गंदे हो रहे हैं, बुजुर्गों का लंघना मुश्किल होया पाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के वल्लों बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लगभग साल हो जा रहा सरकार बनी होने पर कोई भी जी की इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। उ कारपोरेशन है, कारपोरेशन की जी सब तो वड्डी नाकामी नज़र आती है। शहर के जी सीवरेज की व्यवस्था है उन्होंने ठीक ना चलाते चलते हैं। सत श्री अकाल, मैं रमनदीप सिंह, तुम देख रहे हो 7C न्यूज़। पठानकोट शहर के रात की बारिश हो रही है, तो बारिश तो बाद पूरे शहर के जलथल हुई पई है। शहर के किसी भी इलाके चले जाओ तो पानी जोड़ा कि सड़कों के उत्ते खड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गल करिए लोगों के दफ्तर के मूहे दुकाना के मूहे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होया है, तो लोग आम लोगों को लंघन के बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पै रहा। असी खड़े हाँ सैली रोड से, सैली रोड की गल करिए, सुंदर नगर के इलाके की गल करिए, काली माता मंदिर मोड़ की गल करिए, जिते कि अक्सर पानी खड़ा रहता है। रात भर की बारिश हुई है तो उसके बाद स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने कपड़े गंदे हो रहे हैं, बुजुर्गों का लंघना मुश्किल होया पाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के वल्लों बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लगभग साल हो जा रहा सरकार बनी होने पर कोई भी जी की इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। उत्थे गल करिए जी कारपोरेशन है, कारपोरेशन की जी सब तो वड्डी नाकामी नज़र आती है। शहर के जी सीवरेज की व्यवस्था है उन्होंने ठीक ना चलाते चलते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय के 400 करोड़ के विकास के दावे किए गए थे, पर 400 करोड़ कितने लग्या है ये आम लोग भी वो सरकार को पुछते हैं, तो कारपोरेशन के उत्ते भी वड्डे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कारपोरेशन बार बार ये कहती है कि असी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च चुके हैं, पर हजे तक वो पैसा जिहड़ा ग्राउंड लैवल के उत्ते लग्या नज़र नहीं आ रहा, उस पैसे का रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। आम लोगों का पैसा जिहड़ा कि वो खुर्द-बुर्द किया गया है, वो भी लोग वड्डे प्रश्न चुक रहे हैं। गल करिए जे आम आदमी पार्टी की सरकार दी, तो सरकार आने तो बाद कोई खास विकास पठानकोट शहर का नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा वड्डे दावे वादे किए गए सन, उते ही शहर जिहड़ा है कि जिथे कि कारपोरेशन कांग्रेस के हत्थां दे विच है, पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी के कोल है, विधायक BJP दे ने, ते लोकां नू उम्मीदां ते बहुत सारियां सी कि कोई ना कोई लीडर इन्हां दी सुनेगा, पर कोई भी सुनवाई है आम जनता की नहीं हो पा रही है। लोग परेशान ने, घरां दे विच डब्बियां दे नाल पानी कढ रहे ने। हुण इत्थे भी जिहड़ा कि पानी है बहुत ज़्यादा पानी सीगा, जेकर असीं गल करिए थोड़ी देर पहला तो एक ठुल्लू पंप लगा के जिहड़े कि आम दुकानदार ने उन्हां दे वल्लों ये पानी कढ़न की कोशिश की जा रही है, इस पानी का निकास करने की कोशिश की जा रही है, पर सवालिया निशान खड़ा होंदा है पठानकोट की कारपोरेशन के उत्ते, क्योंकि जिम्मेवारी वो बनती है। तो शहर के जिनी भी सीवरेज की व्यवस्था ठप पई है वो जिम्मेवार पठानकोट की कारपोरेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा पहले भी खर्चा जा चुका है, दोबारा भी बहुत सारे मते पास किए जाते हैं, पर वो मते सिर्फ पास ही होंगे ने, पैसा नहीं पहुँचता है, ग्राउंड लैवल पर पैसा नहीं लग रहा।
सो बहुत वड्डा प्रश्न है कारपोरेशन के उत्ते, आम आदमी पार्टी की सरकार के उत्ते, ते पठानकोट के विधायक के उत्ते भी। शहर दे की समस्या बहुत माड़े हालात है जी, हर महल पानी है, नालियाँ जड़िया भरी दी है, नाले जड़े ने ओवरफ्लो हो के लोगों के घर पानी जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वेख लो, सुंदर नगर वेख लो, पोलिया जरा तूड़ी वाला चौंक है, इतों गड्डिया का लंघना जरा बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। ये काफ़ी समय तो समस्या जी चलती आ रही है, सरकार ने ये उत्ते करोड़ों रुपये खर्च रहे हैं। तो मैं यो गल कहनी चाहना कि जे इमानदारी के नाल पैसे खर्चे होंगे तो ये अज इतने पानी ना हों, पानी का निकास जरा हो जाना ही, ये करके ये जो पैसे ने यह सारे उर्द खुर्द किए गए हैं। तो जे सरकार इमानदारी के नाल काम कर दिया पिछलियाँ तो अज ये हालात ना पठानकोट के होंगे।